हेलो स्टूडेंट सो इन द लास्ट वीडियोज वी हैव बिन डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड टूडे वी विल भी डिस्कसिंग अबाउट टाइम लैंग्वेज एंड पारा लैंग्वेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज टाइम लैंग्वेज आपने बहुत बार ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा टाइम इज मनी

टू डू विद्वेज नॉन वर्बल का क्या रिलेशन है पहले ये समझते हैं तो टाइम से इसका का मतलब है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपका टाइम आप कितना टाइम किसको दे रहे हैं कितना टाइम आपने किससे बात किया कितना टाइम आप Uh, उस मीटिंग में ले रहे हैं इंटरव्यू ले रहे हैं ये सारी चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं आपको जो है इम्पोर्टेंस uh, बताती हैं उस पर्सन का उस काम का जो भी चीजें आप कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपसे कहा जाता है हर बार की पढ़ो 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 बट समाइम्स इट इज नॉट प्रोडक्टिव वेन यू कॉन्सेंट कॉन्स्टेंटली ट्राई टू स्टडी ईच एंड एवरी थिंग ट like, हर बार आप जो है बात करते रहे पढ़ते रहे लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हर बार प्रोडक्टिव नहीं होता है हर किसी के लिए प्रोडक्टिव नहीं Sometimes people need पीपल नीड ब्रेक समटाइम्स पीपल नीड टू like a time for relaxation your brain to relax so that you can

नहीं चाहते हैं या फिजिकली टायर्ड फील करते हैं तो आप टाइम नहीं दे पाते हैं प्रोडक्टिव चीजों में या रिविजन करने में तो बहुत मेहनत लगती है उसको करने के लिए सो बट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ बिकॉज इट इट टेल्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर यू फॉर लाइक प्रिपेयर अ शेड्यूल फॉर यू टू हैव अ टाइम फॉर रिलैक्सिंग ऑल्सो एंड अ टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो ऑल्सो समटाइम्स एट द स्टेज ऑफ योर लाइफ टाइम आपको ऐसा कभी आता है कि क्लास में पढ़ाई गई चीजें जैसे आप कॉलेज में जब आप पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ाई गई चीजें काफी नहीं होती हैं आपको आगे पढ़ने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी होती है इफ यू वांट टू बी अ रियल सक्सेस इन योर लाइफ तो वो रियल गोल को पाने के लिए कि आपका जो अचीवमेंट है ये मेरा लाइफ का गोल है इसको मुझे अचीव करना है किसी भी हाल में तो सिर्फ क्लास के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि अरे मेरी ये क्लास नहीं लगी मेरी कम्युनिकेशन की क्लास लगी ही नहीं है हाउ कैन आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश मेरा uh, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल लगा ही नहीं है हाउ टू uh, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं uh, कितना अच्छा इंटरव्यू दे रहा हूँ खर, खराब इंटरव्यू दे रहा हूँ वी है या हमारा जो है यहां पर मार्क्स uh, का क्लास हटा दिया गया है तो ये सारी चीजें इट इज नॉट ऑलवेज अग इशू द लाइक दैट स्टूडेंट्स लाइक टू क्रिएट इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप क्रिएट करना चाहते हैं अगर आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जा रही हैं इट इज जस्ट फॉर अवेयरनेस आपको कोई भी जैसे जो स्किल सेट है आपका ठीक है कि कम्युनिकेशन सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से कम्युनिकेट करना है ये एक तरह का आर्ट है कम्युनिकेशन इज एन आर्ट सो यू नॉट लर्न एन आर्ट फ्रॉम जस्ट बाय लिसनिंग टू समन और जस्ट बाय रीडिंग बुक्स ठीक है किताब पढ़ने से आप ना डांस करना सीखते हैं ना सिंगिंग करना तो आप कम्युनिकेशन भी नहीं सीख सकते हैं पढ़कर यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन आपको अपने से प्रैक्टिस करनी होगी आपको अपने से कुछ एफर्ट डालना होगा अपने से लर्न करना होगा यू नीड टू रिपीट ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग ईच एंड एवरी डे बहुत वक्त लगता है किसी आर्ट को परफेक्ट करने के लिए तो परफेक्ट ना सही आप एटलीस्ट एक गुड लेवल पे आए वही बहुत बड़ी बात होती है तो टाइम जितना आप दे रहे हैं इट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट दैट पार्ट इज इन योर लाइफ एस आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं तो कितना इम्पोर्टेंस आप एक्चुअली दे रहे हैं क्या आपने खुद से वर्क किया यू नीड टू पुट ऑन योर एफर्ट्स सिर्फ टाइम जो है उससे उस टाइम उस को यूटिलाईज करके जानना है कि उस टाइम में हम किस तरह प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं किस तरह हम उस टाइम में कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं तो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्चुअली लर्न समथिंग और इफ यू वॉन्ट टू गिव इमथिंग और समर्सन गिव योर टाइम टू दैट आपको अपना टाइम देना पड़ेगा उस चीज को जब आप उस चीज को सीखना चाहते हैं या किसी पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन बना चाहते हैं काम करना चाहते हैं यू नीट टू गिव टाइम टू दैट पर्सन यू नीट टू गिट ऑर्गेनाइजेशन यू नीट टू गि योर सेल्फ टू लर्न दैट स्किल सेट तो so, टाइम कितना इम्पोर्टेंट आप देते हैं टाइम कितना ज्यादा आप देते हैं उस चीज को या उस रिलेशन को ये शो करता है कि वो आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है अगर आप हर बार सिर्फ यही कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे वो पर्सन मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा है ही इज नॉट रिस्पोंडिंग टू माई ई मेल्स ही इज नॉट रिस्पोंडिंग टू messages मैसेजेस ही इज नॉट टॉकिंग प्रॉपरली ऑन द फोन ये सब एक्सक्यूजेस हैं। टेक आउट योर टाइम मीट द पर्सन फेस टू फेस इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट ऑन एनी अदर मीडिया यू नो दैट फेस टू फेस इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट अगर आपके पॉसिबल है तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए या उसे कहिए कि आई नीड need... स्पेसिफिक टाइम सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस ऑन फोन ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऐसा नहीं कि पांच मिनट दस मिनट मिला और उसमें अगर बात नहीं हो पा रही है पांच दस मिनट में, में क्लियर तो आप एक स्पेसिफिक टाइम मांगिए उनसे अगर वो टाइम नहीं दे रहे हैं आपको दैट मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन तो वो दोनों तरफा होता है अगर एक पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है यू नीड टू मूव ऑन टू दैट पर्सन यू नीड टू मेक मोर एफर्ट और यू नीड टू जस्ट गेट सम हेल्प फ्रॉम सम्स जिसको वो टाइम दे सके क्योंकि आपके कॉन्शियस में आपके माइंड में ये चीज बैठी हुई है कि कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है आप ये जानते हैं कि आपके लिए स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये जानते हैं कि आपके लिए टाइम पे काम कंप्लीट करना कितना इम्पोर्टेंट है बट उसके बावजूद आप एक्सक्यूजेस खोजना शुरू कर देते हैं कि संडे को ये हो गया मंडे के ये हो गया इस वजह से नहीं कर पाए तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का सो यू नीड टू गिव योर टाइम टू द